राहुल गांधी और मोदी नहीं है तो तीसरा विकल्प क्या है। तमिलनाडु में दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। तो जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, जो हर 5 साल में, यानी पंचायत इलेक्शन जिसको कहते हैं, जो हर 5 साल में किसी भी राज्य में होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। नमस्कार, दुरुस्त न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल में अगर आपने देखा हो तो एक शब्द बहुत चर्चा में है जिसको कहते हैं विकल्प। हर कोई ये पूछ रहा है कि आगे आने वाले समय में विकल्प क्या है, भारत के पास अगले प्रधानमंत्री का विकल्प क्या है, मोदी का विकल्प क्या है या फिर राहुल गांधी का विकल्प क्या है। अगर राहुल गांधी और मोदी नहीं है तो तीसरा विकल्प क्या है। एक ऐसा भी जमाना था जब जवाहरलाल नेहरू के बाद भी ऐसा ही एक शब्द फैल रहा था कि नेहरू के बाद विकल्प कौन होगा। क्या ऐसा हुआ कि नेहरू जी के बाद कोई और प्रधानमंत्री नहीं बना? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस के बाहर से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना? ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी के बाहर से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना? विकल्प हमारे लोकतंत्र के अंदर से ही निकल के आता है। अगर लोकतंत्र में विकल्प नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, यानी एक डिक्टेटरशिप जो है हिंदुस्तान में आ गई है। विकल्प जरूरी है और विकल्प लोकतंत्र के अंदर से ही आता है। खैर, इसके उलट हम चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहां पर लोकतंत्र का गला पूरी तरह से रौंदा गया है, उसको घोटा गया है। इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। जयललिता की मौत के बाद तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें काफी मसाला देखने को मिला था। सबसे ज्यादा उनकी खुद की पार्टी के अंदर से ही निकल के आया था, यानी उनकी खुद की पार्टी 2-3 खेमों में बट गई थी। एक शशिकला का खेमा था, दूसरा ओ पनीर सेल्वम का खेमा था। शशिकला को जब जेल हुई उसके बाद ओ पनीर सेल्वम और ईपीएस दोनों ही आमने सामने आ गए। तीसरा खेमा बट गया था टीटीवी तिरुनगरन का। कुछ समय बाद एपीएस और ओपीएस, यानी ई एडप्पाडी पलनीस्वामी और ओ पनीर सेल्वम ने हाथ मिला लिया और टीटीवी तिरुनगरन अलग थलग हो गए। टीटीवी तिरुनगरन के साथ 18 एमएलएज ने उनका साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन 18 के 18 एमएलएज को सजा मिली। सजा क्या मिली? उनके एमएलए पद को उनसे छीन लिया गया, यानी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये मामला पिछले 2 साल से कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने खूब फटकार लगाई है। कोर्ट ने काफी सारी बार वार्निंग भी दी है कि उस जिलों में, उस जगहों पे जहां के ये एमएलए जीत के आए हैं, उनका क्या होगा। आखिर एक इंसान वोट क्यों डालता है? वोट वो इसलिए डालता है कि उसके जिले की, उसके इलाके की प्रगति हो। ये वो लोग हैं जो इन 18 लोगों पर, 18 एमएलए पे भरोसा करके उनको इन्होंने जिताया था। आज अगर इनको कोई परेशानी है, अगर आज इनको कोई भी काम है जो एमएलए के द्वारा होना है, तो वो नहीं हो सकता है। यहाँ की सरकार, यानी जो ईपीएस और ओपीएस की जो अभी की सरकार है, और जो मोदी सरकार यानी जो केंद्र की सरकार है, इन दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। ये जो 18 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया गया है और जो मसला है वो कोर्ट में है अभी, तो ये जो पूरा 2 साल का समय था, आखिर वहां के लोगों की, उस जनता को कौन जवाब देगा? उन जनता की सुनवाई कौन करेगा? उनकी तकलीफें कौन सुनेगा? 18 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के बाद वो 18 जिले भी एक तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं, यानी उन तमाम लोगों की किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो सकती है जब तक वहां पे एमएलए नहीं है। अगर वहां पे नाला खराब है, रोड खराब है, वहां पर कुछ भी सरकारी काम अगर होना है तो वो नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से वहां पर एक ईंट भी जाकर नहीं रखी गई है। ये वहां की हकीकत है और यही सच्चाई भी है। लोकतंत्र पे भरोसा करके उन तमाम लोगों ने वोट डाले और उन लोगों को जिताया। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल खिचड़ी पकाने के चक्कर में उन लोगों को एकदम छोड़ दिया सड़क पर, जो जिनको जरूरत है एक एमएलए की, जिनको जरूरत है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से प्रगति हो। यहाँ पर विकल्प की जरूरत थी। अगर 18 लोग नहीं हैं तो केंद्र की सरकार और यहाँ की जो ईपीएस ओपीएस की सरकार है, इन दोनों को मिलकर सोचना चाहिए था कि इन 18 लोगों का विकल्प क्या है। विकल्प आज तक नहीं मिला है। उस विकल्प की जरूरत नहीं है जो अब से 6 महीने बाद एक इलेक्शन होने वाला है और अब तब हमें ये पता पड़ेगा प्रधानमंत्री कौन है। विकल्प इस चीज की जरूरत है कि यहाँ पर 18 एमएलए डिस्क्वालीफाइड हैं और यहाँ पर वो तमाम लोग हैं
जिनको अपने नेता की जरूरत है, जिनको अपने इलाके की प्रगति का अभी भी इंतजार है। क्या आपको ये लगता है कि ये विकल्प ज्यादा जरूरी है या फिर वो विकल्प जो एक आपको कौन अगला प्रधानमंत्री होगा ये समझाने में ज्यादा मददगार होगा? ये एक ऐसी घटना नहीं है। इसके अलावा आपके और ज़्यादा अगर मैं होश उड़ाने की खबर बताऊं तो जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है जो हर 5 साल में, यानी पंचायत इलेक्शन जिसको कहते हैं, जो हर 5 साल में किसी भी राज्य में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 2016 अक्टूबर के महीने में ये इलेक्शन होना था जो यहाँ की सरकार ने नहीं कराया। इसके बाद जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने भी फटकार लगाई एक बार यहाँ के इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है वो स्टेट का स्टेट बॉडी होती है और स्टेट को ही उसको करवाना चाहिए। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने भी खूब फटकार लगाई और उनको ये भी यहाँ तक डेडलाइन दे दी गई थी कि 31 जुलाई के भीतर आप ये बताएं कि कब आप ये इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन यहाँ की सरकार अभी तक लोकल बॉडी इलेक्शन कराने में असफल ही रही है। 7 साल होने को जा रहे हैं, दोबारा से इलेक्शन नहीं हुआ है। यानी जो ये जो सरकार है अभी की, ये 2021 तक रहेगी। यानी 2021 तक आप दोबारा से इलेक्शन नहीं कराएंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेके आके रखता है। यहाँ पर भी विकल्प की ज़रूरत है कि अगर ना केंद्र की सरकार इसको देख के चुप है और राज्य की सरकार तो करवा ही नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो आपको आदेश देता है उसका पालन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विकल्प क्या है? जो इलेक्शन होना चाहिए था लोकतांत्रिक तरीके से वो आज तक क्यों नहीं हुआ है? ऐसी ही एक चर्चा में जयराम रमेश जी से पिछले महीने बात हुई। जब उनके कानों तक ये बात पहुंची तो वो बहुत अचंभित हुए। उन्होंने ये कहा, आखिर ये हुआ कैसे? 7 सालों तक किसी भी राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी घटना है। लोकतंत्र में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ, पूरे भारत के 70-72 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक पहला केस है, एक अनोखा केस है जो कि 7 साल होने के बाद भी इलेक्शन नहीं कराए गए हैं, और कब होंगे ये भी किसी को नहीं पता। We must have in 2018, if not in 2019, we must have at the earliest panchayat election. You mean panchayat and municipal both? Yeah, everything. Everything. How did they manage to do that? They have the. But how? There is no state in India where this is true. How did this happen? It's a political bureaucracy. All parties are together in this. No. Now Tamil Nadu is a unique political miracle. There are constituencies without MLAs. Yeah, 18 constituencies. I think that. Why don't you take out a silent procession in all different parts of Tamil Nadu under the banner of the AIPC demanding that local body elections be held in the next 3 months? Very important, yeah. हमें ये लगा कि शायद कांग्रेस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठाएगी, जो यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के लोग हैं तमिलनाडु के, वो इस चीज़ को बहुत उठाएंगे, क्योंकि केंद्र के एक मंत्री रह चुके और कांग्रेस के बहुत बड़े कद वाले एक मंत्री ने ये कहा कि आप लोग जो है जाएं सड़कों पर, जाएं धरने करें, और लोकल बॉडी इलेक्शन आपका हक है और ये ज़रूर होना चाहिए। हमने भी इंतज़ार किया, शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने में शायद कुछ यहाँ के कांग्रेसी करेंगे, लेकिन शायद नहीं करेंगे। वो तो वहाँ पर भी सोते हैं और यहाँ पर भी सो रहे हैं, यानी केंद्र पे भी और स्टेट में भी इनका कुछ बड़ा वर्चस्व नहीं रहा, शायद इसी वजह से ये चुप हैं। हमारी ये गुजारिश है केंद्र की सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ की यानी तमिलनाडु की सरकार से, जो इलेक्शंस होने हैं यानी लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होने हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए। पंचायत इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं, यानी जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनकी एक रीढ़ की हड्डी है पंचायत इलेक्शन। एमएलए एमपीज के पास लोग नहीं पहुंच पाते हैं, पंचायत यानी जो पंच होता है, सरपंच होता है, उसके पास हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए लोग पहुँचते हैं। अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे
तो वो लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, इन 18 लोगों को की डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इनका जो एक विकल्प है वो उन 18 ज़िलों में होना ही चाहिए, क्योंकि 2 साल हो गए हैं वहाँ पर किसी भी तरह का सरकारी काम नहीं हो पा रहा है। अगर आपके राज्य में, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अगर इसी तरह की कोई परेशानी है, आपके समझ में आती है, तो आप नीचे लिखे गए ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं, जो हम अपने कमेंट बॉक्स पर लिख देंगे। अगर आपको ये लगता है कि लोकतंत्र का इस तरह से भी गला घोटा गया है और इसके बारे में आप अपने विचार रखना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।